एक बार फिर से दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुशियार गांव पार्क में आपको दिखा रहा था, देख सकते हैं दरख्त कई तरह के बने हुए हैं। ये देखिए सी ग्रेप्स, समुद्री अंगूर का वृक्ष यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा जनरली आपको। और ये देख सकते हैं आप स्वर्ण चंपा, इसके पेड़ हैं, ये आप पेड़ जो दिख रहे हैं वो स्वर्ण चंपा के पेड़ हैं। इस तरह से हर पेड़ के ऊपर जो है उसका नामांकन भी किया गया है ताकि लोगों को पता चल पाए। देखिए ब्लैक जामुन, ब्लैक प्लम का ये पेड़ दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ब्लैक जामुन का ये पेड़ है, ब्लैक प्लम। एक बोर्ड भी यहाँ पे लटका दिखा, पीला रुकतुरा, योलो अफ्रीकन टुलिप, ये आप देख सकते हैं इनका पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पे घूमने के लिए आपको काफ़ी टाइम लेके आना होगा, तो भी आप पूरा घूम सकते हैं। इधर देख सकते हैं बांस भी जो है, कई कैटेगरी के जो बांस के जो पेड़ हैं वो भी लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं बेला पत्ती का पेड़, देखिए लिखा हुआ भी आपको बोर्ड, साइन बोर्ड दिखेगा आपको, बेला पत्ती का पेड़ है ये, इसका नाम है जेंट बैम्बू, दैत्य बांस इसको बोलते हैं। बांस भी कई वैरायटी के यहाँ पे लगाए गए हैं। ये तितली मटर वृक्ष है, तितली मटर वृक्ष आपने देखा, सुंदर फूल की तो कमी नहीं है, सारे फूल्स खिले हुए हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। कटहल के भी पेड़ लगाए गए हैं, अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं इसमें। ये रक्त चंदन का ये वृक्ष आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। रेड बीट ट्री इसका नाम है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसका नाम है दोस्तों अमलतास, इस पेड़ का नाम है अमलतास की पत्तियां आप देखिए पहचान है। बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी, यहाँ पे देखिए क्वीन क्रेप वाइटल, जरूला जरहुल इनका पेड़ है। अभी थोड़ा पतझर का मौसम है तो पत्ते कम दिख रहे होंगे आपको। अभी तो देखिए बड़े बड़े बांस के पेड़, खैर देहात में खैर मिल ही जाता है, शहर में देखने को नहीं मिलता है। बहुत सुंदर दृश्य है। ये देखिए करंच के पेड़ है, करंच के जो पेड़ हैं आप देख सकते हैं, करंज का पेड़, नीम के पेड़ भी लगे हुए हैं। नीम के पेड़ तो आप हर जगह मिल जाते हैं। ये देखिए पुतरंजीव इस पेड़ का नाम है, पुतरंजीव के जो पेड़ लगे गए हैं। आंवला के भी पेड़ आपको दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं आंवला के पेड़, इनके सारे पत्ते अभी पतझर के मौसम में झड़ चुके हैं। देखिए सपाटा के भी पेड़ लगे हुए हैं, छतवन ब्लैक बोर्ड ट्री इसका नाम, ब्लैक बोर्ड ट्री दिया गया है। एक देख सकते हैं क्या सुंदर उसका यहाँ पे
बिल्डिंग बनाया गया जिसकी हम मतलब एक फुटबॉल के शेप का बनाया गया है। ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है, इस पार्क में गेस्ट हाउस भी कई सारे मिल जाएंगे आपको। तो जब भी मौका मिले अररिया आइए, अररिया में बहुत कुछ घूमने का है। नेपाल से सटा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है और बंगाल भी नज़दीक ही है, यहाँ से दार्जिलिंग भी नज़दीक है, सिलीगुड़ी नज़दीक है, तो आप आ सकते हैं। यहाँ बहुत बहुत कुछ देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे टूरिस्ट लोग को देख लीजिए, नहर भी है इसमें। काफ़ी सुंदर घटा है, मोर पंख पेड़ देखिए, बहुत सारे एक तरफ से कटिंग करके डिजाइन के आकार में लगाए गए हैं। एक से एक सुंदर फूल, मैं आपका फूल दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी और भी कई तरह के फूल हैं, पूरा फूल ही फूल दिखेंगे। थोड़ा इंतज़ार करें, मैं आपको फूल दिखाने जा रहा हूँ। देखें कितनी वैरायटीज के यहाँ गुलाब के फूल मिल जाएंगे। There are so many types of fruits, so many types of trees, plants. यहाँ पे देख ले रहे हैं अब छांव में रहने वाले प्लांट जो होते हैं, सेकेंडरी हार्डनिंग टीसी प्लांट्स इसके अंदर लगाए जाएंगे। अभी इसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, खेत बनाएगा। इसमें जो ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जिसको कम धूप चाहिए। रोज आर ओनली फॉर सी, डोंट टच। रोज आर ओनली फॉर सी, डोंट टच। रोज को सिर्फ देखिए तोड़िए मत, गुलाब सिर्फ फूल देखने के होता है, मसलने के लिए या तोड़ने के लिए नहीं दोस्तों। इस पार्क में बहुत कुछ देखने को है, आप पूरा वीडियो देखें, पूरा लुत्फ उठाएं और छुट्टी में खुद आके घूमें। देख सकते कितने बड़े बड़े गुलाब हाइब्रिड या गुलाब के फूल लगे हुए हैं। सुंदर नर्सरी, सुंदर दृश्य। ये टूरिस्ट आई है अमेरिका से सावरा, ये याफिया को देखिए, ये भी घूम रही है, याफिया मजा ले रही है। याफिया देखो कितनी अच्छे से ये फोटो से जाने में व्यस्त है। सब इन लोगों की जो मेहनत का एक करिश्मा है, इन्होंने पूरा मेहनत किया, चमकाया गार्डन को। च
जबरदस्त फूल खिले हुए हैं, लग रहा है जैसे कि मैं दिल्ली का मुगल गार्डन आ गया हूँ। अभी दिल्ली का मुगल गार्डन भी खुला हुआ है, वहाँ भी आपको ग्लूरोज के जो है और कई तरह के गुलाब्स के फूल मिलेंगे। दिल्ली का मुगल गार्डन में ही कुछ इस तरह के सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। फूल ही फूल है, पेड़ ही पेड़ हैं, सुंदर नज़ारे, सुंदर दृश्य, हर तरह के फूल देखने को मिलेंगे। कितने सुंदर ढंग से देखिए कटिंग करके उन्होंने, इक्वल साइज का कोई भी एक भी पत्ती इधर उधर नहीं है, पूरा मेंटेन रखा गया है। खजूर के जो पेड़ हैं ये सब आपको सुपारी के पेड़ दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। कब का बन हो गया जी? नहीं चल रहा है यूसुफ। काली तुलसी भी लगाए जा रहे हैं, औषधि वाटिका इसका नाम है, औषधि राम तुलसी और भी बहुत कुछ। आज इतना ही।